प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक ईथर के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि ईथर क्या है, ईथर कितने प्रकार के होते हैं और ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है। उसके बाद इसके बनाने की विधि, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ईथर का फंक्शनल ग्रुप वो होता है, इसको इथरल ऑक्सीजन भी कहा जाता है। इथरल ऑक्सीजन भी कहा जाता है। अल्कोहल में बताए थे कि इसका जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला CnH2n+2O होता है, जहां n का मान ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 होगा। n का मान 2 रखेंगे। जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सामान्य संरचना सूत्र, ROR- होगा। ऑक्सीजन के ऊपर आप ऐसे लोन पेयर बना भी सकते हो। याद रखिएगा, R या R- कोई पूछे क्या है, एल्काइल या एराइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप तो आप जानते हैं और एराइल ग्रुप क्या हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में देखेंगे। अभी बता देते हैं कि बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स से हम लोग जब एक हाइड्रोजन एटम को रिंग से विस्थापित कर देते हैं तो जो ग्रुप बनता है वह एराइल ग्रुप कहलाता है। अभी हम एग्जांपल एक लेके बताएंगे भी। तो आर कोई पूछे क्या है, एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप है। एक बात याद रखिएगा कि दुनिया का कोई भी ईथर हो, इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। या कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ईथर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। दूसरी बात याद रखिएगा, R इज इक्वल टू R- हो सकता है। यह दोनों R आपस में बराबर हो सकते हैं और दोनों R आपस में बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो यह भी बात याद रखिएगा कि दोनों R आपस में बराबर हो सकते हैं, यहाँ जुड़े हुए दोनों ग्रुप समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। इतना बात नोट कीजिए, मैं इसका डेफिनेशन बता रहा हूं कि ईथर किसे कहते हैं। आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन एटम से या इथरल ऑक्सीजन से दो समान या असमान एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं, उसे ईथर कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो इसको मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लेंगे। इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें इथरल ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन एटम से दो समान या असमान एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं, उसे ईथर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कह दूं कि CH3OCH3 यह एक ईथर है। यहां देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम से दो समान मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ हाइड्रोजन कम या अधिक हो जाए या हाइड्रोजन न दे, फिर भी यह अंडरस्टूड है कि कार्बन के पास तीन ही हाइड्रोजन होगा। ये तो बच्चा क्लास में आप सीख के आए हैं कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपने वैलेंसी के अनुसार हाइड्रोजन या अन्य तत्व के परमाणु से जुड़े होते हैं। कोई आपसे पूछे कि क्या यह ईथर का एग्जाम्पल है, यहाँ हम फिनाइल ग्रुप को जोड़ देते हैं CH3 के साथ, कहेगा बिल्कुल इथर है सर, यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है सर, इधर फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यही एक एराइल ग्रुप है, यह इथर का एग्जाम्पल है। कोई आपसे पूछ दे कि क्या यह इथर का एग्जाम्पल है, आप जवाब दीजिएगा हाँ बिल्कुल, यह ऑक्सीजन एटम से यहाँ एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ एक एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यही याद रखिएगा कि इथर में ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, sp3 होता है। एक और बात नोट में याद रखिएगा कि ईथर को जल या अल्कोहल का डेरिवेटिव्स माना जाता है। ईथर को जल या अल्कोहल कोहल का डेरिवेटिव्स माना
जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जल का सूत्र होता है HOH, यही जल है, आप लोन पेयर दे सकते हो। यदि इसके दोनों H को हम किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप के द्वारा विस्थापित कर दें तो यहाँ ईथर बन गया, देख रहे हैं। इसी प्रकार मैं अल्कोहल ले लूं, अल्कोहल के एक H को हम किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप के द्वारा विस्थापित कर दूं तो ईथर बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ईथर को जेनरली अल्कोहल या जल का व्युत्पन्न माना जाता है। इसे नोट कर लें। एक लाइन में आप एराइल ग्रुप को समझ लीजिए, पुनः इसे एरोमेटिक कंपाउंड में हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन हो चाहे बेंजीन का डेरिवेटिव हो, या मैं बेंजीन ले लेता हूं, देखिए इसकी संरचना ऐसे बनाई जाती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसी को बेंजीन कहते हैं बेटा, और इसी को फीन के नाम से भी जाना जाता है। इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। यदि बेंजीन से या बेंजीन का कोई भी उत्पन्न हो, मिथाइल बेंजीन हो, इथाइल बेंजीन हो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो, इससे डायरेक्ट रिंग से हम हाइड्रोजन को एक विस्थापित कर दें तो जो ग्रुप बनता है उसे एराइल ग्रुप कहा जाता है। देखिए यहां क्या बच गया, हम यहां से विस्थापित कर रहे हैं एक हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन छुपा हुआ है, कार्बन की एक वैलेंसी खाली दिखाई दे रहा है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5। फीन से यह ग्रुप बन गया फिनाइल, फिनाइल ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में पीएच या फाइ से भी डिनोट किया जाता है। तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का एराइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप। जब मैं एराइल ग्रुप कहूं तो समझ जाना है कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन को निकाल के एक ग्रुप बनाया गया है, अर्थात फिनाइल को हम जोड़ेंगे। आगे और डिटेल बताएंगे, मिथाइल बेंजीन से हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। और यदि मिथाइल बेंजीन के साइड चेन से यदि हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें तो उसको अर एल्काइल ग्रुप कहा जाता है, इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको फिनाइल कहेंगे, C6H5, या इसी को पीएच या फाइ से डिनोट करेंगे। बात समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब टाइप्स ऑफ ईथर देख लें, ईथर के प्रकार, ईथर के प्रकार ध्यान दीजिएगा, TYPS टाइप्स ऑफ ईथर्स। ईथर्स को हम लोग मुख्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला को कहते हैं छोटू सिंपल, या इसी को कहते हैं SYMMETRI, सिमेट्रिकल ईथर, बता रहे हैं क्या है दोनों। और दूसरा को कहते हैं बेटा मिक्स्ड, या इसी को कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। आप दोनों को डिफाइन कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा यहां ROR- इफ R इज इक्वल टू R- हो, वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए दोनों ग्रुप समान होते हैं उसे सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। सिमेट्रिकल अंग्रेजी का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है समान। मैं कहूंगा यू आर सिमेट्रिकल टू योर मदर, इसका मतलब तुम अपने माँ के तरह हो। मैं यू आर नॉट सिमेट्रिकल टू मी, इसका मतलब तुम मेरे तरह नहीं हो। वैसा ईथर जिसमें ईथरल ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए दोनों ग्रुप आपस में समान होते हैं उसे सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां ध्यान दीजिएगा, मैं कहूं कि CH3O CH3, कहिएगा सिमेट्रिकल ईथर है। मैं कह दूं बता ये कैसा ईथर है, आप जवाब दीजिएगा सर सिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए दोनों ग्रुप फिनाइल आपस में समान है। बात समझ गए होंगे। यहां ध्यान दीजिएगा ROR-, यही जनरल स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। इफ R नॉट इज इक्वल टू R- तो कह सकते हैं कि वैसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए दोनों ग्रुप आपस में समान नहीं होते हैं उसे अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर कहा जाता है। ध्यान दीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं दे दूं, मैं कहूं कि CH3CH2OCH3, कहिएगा सर अनसिमेट्रिकल ईथर है, एक साइड मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एक साइड मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरा हम एग्जांपल यही ले लें, कोई आपसे पूछ दे कि यह कैसा ईथर है, यहां मिथाइल ग्रुप में जोड़ दूं तो कहिएगा सर यहां मिथाइल ग्रुप है, यहां फिनाइल ग्रुप है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, यहां हाइड्रोजन
कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं भी मैं बनाऊं तो ये अंडरस्टूड है कि यहां कार्बन के पास तीन ही हाइड्रोजन होगा। तो ईथर के टाइप समझ चुके हैं हमें, ईथर को हम लोग एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर में भी बांट सकते हैं। यह महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है, सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर। यदि दोनों ग्रुप समान हो तो उसको सिंपल ईथर और दोनों ग्रुप समान नहीं हो तो उसे मिक्स्ड ईथर कहा जाता है। तो पहले इसे नोट करें, ईथर को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर में। तो यहां इसको भी समझ लीजिए, ईथर को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं एलिफैटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर क्या है ध्यान दीजिएगा, आर ओ आर डैश होता है इफ आर और आर डैश दोनों एल्काइल ग्रुप हो तो वह एलिफैटिक ईथर के श्रेणी में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं CH3 कहिएगा एलिफैटिक ईथर है, या ऑक्सीजन एटम से जो कार्बन का चेन है खुला होना चाहिए बिल्कुल, मैं कह दूं कि बता यह कैसा ईथर है, एलिफैटिक ईथर है। और दूसरा हो सकता है एरोमैटिक ईथर। एरोमैटिक ईथर क्या है ध्यान दीजिएगा, एरोमैटिक ईथर क्या है, आर ओ आर डैश होता है, याद रखिएगा आर या आर डैश कोई एक, आर या आर डैश कोई एक एराइल ग्रुप हो या दोनों आर या आर डैश दोनों एराइल ग्रुप होना चाहिए। क्लियर है, ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए दोनों ग्रुप या तो एराइल ग्रुप हो या कोई एक एराइल ग्रुप होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं, कोई पूछे कि यह कैसा है ध्यान दीजिएगा, तो आप कहिएगा सर यह एरोमेटिक ईथर है, यहां देख रहे हैं ईथरल ऑक्सीजन से दो हमारा जो ग्रुप जुड़े हैं एराइल ग्रुप हैं, यदि दो एराइल ग्रुप जुड़ जाए तो इसको डाई एराइल ईथर भी बोल सकते हो आप, डाई एराइल ईथर, परंतु यह एरोमेटिक ईथर है। ध्यान दीजिएगा यदि ईथरल ऑक्सीजन से एक एराइल ग्रुप जुड़ा हो और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो यह भी एरोमेटिक ईथर होगा, लेकिन ऐसे ईथर को हम लोग फिनोलिक ईथर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा निम्न में से कौन फिनोलिक ईथर है, तो इसकी पहचान है कि ऑक्सीजन एटम से कम एक जरूर एल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए और एक एराइल ग्रुप होना चाहिए। तो एक एराइल ग्रुप है फिर भी एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक में फिनोलिक है। यहां देख रहे हैं ऑक्सीजन एटम से दो एराइल ग्रुप जुड़े हैं, यह एरोमेटिक है लेकिन इसे डाई एराइल ईथर कहते हैं। तो ईथर को आप ऐसे भी क्लासिफाइड कर सकते हो, इसे भी नोट करें। चलिए देखते हैं कि ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर ओ आर डैश होता है, या दोनों आर समान भी हो सकते हैं और असमान भी अभी हमने सीखा। इसका आयुपैक नेम होता है अल्कोक्सी एल्केन, अल्कोक्सी एल्केन, और तमन नेम इसका लिखा जा सकता है, बड़ा ही प्रचलित है, यदि दोनों आर समान हो अर्थात सिमेट्रिकल ईथर हो तो उसका नाम होगा डाई एल्काइल ईथर। कहने का तात्पर्य है यदि ऑक्सीजन एटम से दो समान ग्रुप जुड़ जाए, यहां सीवान जुड़ जाए, यहां सीवान जुड़ जाए, तो इसका नाम होगा डाई सीवान ईथर। इधर गोपालगंज जुड़ जाए, इधर गोपालगंज जुड़ जाए, तो डाई गोपालगंज ईथर हो सकता है, अर्थात सिमेट्रिकल ईथर का नाम देंगे डाई एल्काइल ईथर, और दोनों आर असमान हो तो उसका नाम होगा एल्काइल एल्काइल ईथर। कहने का तात्पर्य है कि ऑक्सीजन एटम से इधर आरिफ सर जुड़ जाए, इधर संजीव सर जुड़ जाए, तो इसका नाम होगा आरिफ सर संजीव सर ईथर। क्लियर है, जो अल्फाबेटिकल सुपीरियर ग्रुप होगा उसको पहले लिख देते हैं। तो सिमेट्रिकल ईथर का कॉमन नेम होगा डाई एल्काइल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर का नाम होता है एल्काइल एल्काइल ईथर। एक महत्वपूर्ण बात समझिए, अल्कोक्सी किसको माने हैं, स्मॉल एल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन कम हो ऑक्सीजन सहित, अल्कोक्सी अर्थात सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, उसको हमेशा ग्रुप के तरह रिगार्ड करेंगे। कहने का तात्पर्य है यहां मैं कह दूं कि CH3, इधर कह दूं CH2, यहां O, यहां CH3। देखना है ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए दोनों ग्रुप किसमें कार्बन कम है, यहां कार्बन एक और एक दो है, इधर कार्बन एक है, तो इसको ऑक्सीजन सहित अल्कोक्सी मान लेंगे, अर्थात ये होगा मिथॉक्सी,
आई इसको कहेंगे इथेन। क्लियर है, बात समझ गए। मैं कह दूं यहां CH3, मैं कह दूं O, यहां CH3, यहां भी देख रहे हैं कार्बन एक है, इधर भी देख रहे हैं कार्बन एक है। आप किसी को अल्कोक्सी मान सकते हो, ऑक्सीजन सहित एक को मान सकते हो मिथॉक्सी। याद रहे कि ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए दोनों एल्काइल ग्रुप में जिसमें कार्बन कम होगा ऑक्सीजन सहित उसे हम लोग अल्कोक्सी मान लेते हैं। तो हम लोग आगे इसको शुरू करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। एल्काइल ग्रुप के जगह पर सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप को मैं पुट कर रहा हूं CH3O CH3। ध्यान दीजिएगा इसका आयु पैटर्न हम कैसे लिख रहा हूं। यहां ऑक्सीजन सहित किसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, और एक कार्बन है तो मीथेन। एक पर मिथॉक्सी है तो इसके पोजीशन को लिखने की जरूरत नहीं है, गिनती इस प्रकार करेंगे कि अल्कोक्सी ग्रुप को लो नंबर मिले। तो एक पर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, और एक कार्बन है तो इसको लिख देंगे मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा, यह मिथाइल है, यह मिथाइल है तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल, और इसमें जोड़ देंगे हम लोग ईथर, एक प्रकार का सिमेट्रिकल ईथर है, इसे नोट करें। और एग्जाम्पल आप देखिए, यहां कोई पूछे कि इसका आयु पैक नेम और कॉमन नेम बताओ। देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ इस ग्रुप में एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, तो इसी को हम लोग ग्रुप अर्थात सब्स्टिट्यूएंट के तरह रिगार्ड करेंगे। इसका नाम होगा मेथॉक्सी, और कार्बन की गिनती इस प्रकार करेंगे कि इस अल्कोक्सी ग्रुप को लो नंबर मिले 1, 2। एक पोजीशन पे है मिथॉक्सी तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका नाम होगा मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन। ध्यान दीजिएगा, ईथर का नाम हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आयु पैक नेम, और बच्चे क्या करते हैं कि कॉमन नेम लिख करके एग्जाम में चले आते हैं। इसका कॉमन नेम बताइए, यहां देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, आप देख रहे हैं यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है, तो किसको पहले लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल क्या लिखते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर, यह एक प्रकार का मिक्स्ड ईथर है। और एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे कि इसका आप नाम बताइए, आयु पैक और कॉमन नेम O CH2 CH3। कार्बन के पास उसके वैलेंसी के अनुसार हाइड्रोजन होना चाहिए, अंडरस्टूड है बिल्कुल। अब देखिए दोनों तरफ कार्बन सेम है, आप किसी को अल्कोक्सी मान लो, इसको हम लोग क्या मान लें, दो कार्बन है तो एक, इसमें OXY जोड़ देंगे तो एथॉक्सी, एक दो, एक पर ग्रुप जुड़ा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं एथॉक्सी, एथ दो कार्बन है तो एथ, उसमें ऑक्सी जोड़ देना एथॉक्सी, स्पेलिंग रटने की भी जरूरत नहीं है। अब दो कार्बन पैरेंट चेन में है तो एथ जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन लगा देंगे, एथॉक्सी इथेन, और इसी का आयु पैरेंट नेम होगा डाई इथाइल ईथर। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका प्रयोग मेडिकल सर्जरी में अभी भी निश्चेतक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछे कि CH3 इसका आयु पैक नेम बताइए, ईथर को मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं, तो आप कहिएगा सर यह मेथॉक्सी ग्रुप है, क्लियर है, यह बिल्कुल क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो की तरह हम लोग यूज करेंगे, मिथाइल इथाइल की तरह से, कार्बन का लंबा चेन 1, 2, 3। अब बताइए यह मेथॉक्सी कितने नंबर पोजीशन पे है, दो नंबर पे, तो लिखाएगा 2 मेथॉक्सी। अब पोजीशन लिखना जरूर है 2 मेथॉक्सी, और कार्बन कितने हैं पैरेंट चेन में, 3 है, तो प्रोपेन 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका आयु पैक नेम होगा, इधर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल इथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल इथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल इथर, समझ गए होंगे, इसे नोट करें। देखिए कॉम्प्लेक्स ईथर के नामकरण करने के लिए मैं अलग से आपको अल्कोक्सी ग्रुप बता रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसे समझ लीजिए। पुनः मैं कॉम्प्लेक्स ईथर का एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अल्कोक्सी यह हमेशा ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का कार्य करता है कार्बन के चेन में, जैसे मिथाइल इथाइल होता था वैसे ही अल्कोक्सी ग्रुप हम लोग यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कह दूं कि CH3O
किस कहीं जुड़ा हो तो इसको कहेंगे मेथॉक्सी, कार्बन एक है तो मेथॉक्सी। कोई पूछे कि इसका नाम बताओ, आप बिल्कुल कह सकते हो आइसोप्रोपाइल से, यहां देख रहे हो आइसोप्रोपॉक्सी बना देते हैं, आइसो पी आर ओ पी ओ आइसोप्रोपॉक्सी। अब जो एल्काइल ग्रुप नहीं पढ़ के आए हैं, आइसो क्या है, नियो क्या, कहां यूज करेंगे, सेकेंडरी टर्सियरी, उनको अब दिक्कत होगा। आइसोप्रोपॉक्सी हो सकता है, कोई आपसे कह दे कि इस ग्रुप का आप नाम बताइए, इस अल्कोक्सी ग्रुप का, ध्यान दीजिएगा इसका नाम होगा आइसो ब्यूटॉक्सी, आइसो ब्यूटॉक्सी, आइसो ब्यूटॉक्सी। कोई आपसे पूछ दे कि इस ग्रुप का आप नाम बताइए, आप बेहिचक, ये टर्सियरी ब्यूटॉक्सी हो सकता है, टर्सियरी बी यू टी ओ एक्स वाई। देखिए टर्सियरी के लिए टी आर टी भी सिंबल यूज करते हैं और सिंपल टी भी यूज करते हैं, टर्सियरी ब्यूटॉक्सी। कोई आपसे पूछ दे कि इस ग्रुप का आप नाम बताइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ, इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटॉक्सी, नियो पेन टॉक्सी, नियो पेन टॉक्सी। यहाँ फिनाइल ग्रुप में बेंजीन रिंग से ओ जोड़ के यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी को खाली कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे फिनॉक्सी, इसको कौन ग्रुप कहेंगे फिनॉक्सी। यहाँ जब सीएल दे दूं मैं, सी एच टू दे दूं, यहाँ ओ दे दूं, इसका नाम क्लोरोमीथॉक्सी, कार्बन की एक पर क्लोरीन है तो लिखने की जरूरत है क्लोरोमेथॉक्सी, क्लोरोमेथॉक्सी। आप बात समझ गए होंगे, सीएल दे दूं मैं, सी एच टू दे दूं, मैं सी एच टू दे दूं, मैं ओ दे दूं, इसका नाम होगा वन टू टू क्लोरो, टू क्लोरो एथॉक्सी, टू क्लोरो एथॉक्सी। इसी प्रकार आप चाहे तो अल्कोक्सी ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं, क्लियर है, तो इसे नोट कर लें। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये कार्बन के चेन में ग्रुप का कार्य करता है, जैसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो इथाइल मिथाइल जैसे यूज करते थे वैसे ही यह यूज होगा। अल्कोक्सी ग्रुप का अब मैं यूज कर रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए, कोई आपसे पूछे कि इसका आयु पैक नेम बताओ, सी एच थ्री ओ सी एच इसका आयु पैक नेम, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये तो मेथॉक्सी हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एटम से छोटा एल्काइल ग्रुप है, कार्बन का लंबा चेन वन टू थ्री, इसका नाम होगा टू मेथॉक्सी, टू पे मेथाइल है, टू मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन यह एक अनसिमेट्रिकल इथर है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा यह टर्सियरी ब्यूटाइल मिथाइल इथर, टर्सियरी ब्यूटाइल मिथाइल इथर। बात समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल आपके सामने मैं ले रहा हूं, इसका आयु पैक नेम कोई पूछे आपसे, इस ईथर का लिखिए, बोर्ड एग्जाम में ईथर का नाम पूछे जाते हैं, इधर भी कार्बन तीन है ग्रुप में, इधर भी तीन है, तो किसी एक ग्रुप को आप, किसी एक एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन सहित आप सब्स्टिट्यूएंट के तरह रिगार्ड कीजिए। यहां ध्यान दीजिएगा, मैं इसी को अभी पढ़े आइसोप्रोपॉक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा वन टू थ्री, टू पे क्या है टू आइसो प्रोपॉक्सी, टू आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन टू आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन। देखिए इसका आयु पैक नेम ऐसे भी लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसकी भी गिनती मैं कर देता हूं वन डैश टू डैश थ्री डैश, और ये टू पे क्या है, टू पे टू डैश प्रोपॉक्सी है, टू डैश प्रोपॉक्सी, टू डैश प्रो पॉक्सी, टू डैश पे क्या है प्रोपॉक्सी है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या बेटा प्रोपेन, पी आर ओ पी ए एन ई प्रोपेन, लेकिन ऊपर वाला नाम ज्यादा प्रिफर्ड किया जाता है, ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ऊपर वाले नाम को ही बेहतर माना जाता है। तो आप दो ढंग से इसका नाम लिख सकते हैं, आप जो वन डैश टू डैश नंबरिंग मैंने किया है आप सिंपल वन टू थ्री भी कर सकते हैं, तो यहाँ टू पे क्या होगा टू प्रोपॉक्सी प्रोपेन हो सकता है, इसका कॉमन नेम हो सकता है डाई आइसो प्रोपाइल इथर, डाई आइसो प्रोपाइल इथर, डाई आइसो प्रोपाइल इथर। नोट करें, कुछ और इथर आपके सामने ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे कि इसका कॉमन नेम और आयु पैक नेम दोनों बताइए, बिल्कुल आप बता सकते हैं,
इसका नाम होगा टर्सियरी ब्यूटॉक्सी 1, 2, 3, 2 पर टर्सियरी ब्यूटॉक्सी है, 2 पर मिथाइल है, तो 2 टर्सियरी ब्यूटॉक्सी, 2 मेथाइल प्रोपेन, प्रोपेन लिख सकते हो। क्लियर है, कार्बन का लंबा चेन लेना है, गिनती इस प्रकार करना है कि अल्कोक्सी ग्रुप को लो नंबर मिले, इसी का कॉमन नेम हो जाएगा डाई टर्सियरी ब्यूटाइल इथर, डाई टर्सियरी ब्यूटाइल इथर। आप बात समझ गए होंगे, आप इसका नाम लिख के हमको नोटिस कीजिएगा कि आप इसका आयुपैक नेम और कॉमन नेम दोनों लिख पा रहे हैं। इसका आयुपैक नेम भी आपको लिखना है और इसका कॉमन नेम भी आपको लिखना है। कुछ और कॉम्प्लेक्स मैं इथर बता रहा हूं, इसे पहले नोट कर लें। यदि ऑक्सीजन एटम से एराइल ग्रुप जुड़ा हो, बड़ा ही महत्वपूर्ण इथर है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसका नाम बताइए। एरोमेटिक कंपाउंड में पुनः देख ले, इसका नाम होगा मेथॉक्सी, इसको कहते हैं बेंजीन, तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। इसी का कॉमन नेम होता है मिथाइल फिनाइल इथर, मिथाइल फिनाइल इथर। पूरे दुनिया में इसका एक मशहूर नाम है और एनिसॉल, तो इसे याद कर लीजिएगा, मिथाइल फिनाइल इथर को एनिसॉल कहते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OCH3। बात आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। ऐसे आ जाए, इसका नाम आप लिख लीजिएगा, इसका नाम आप आयुपैक लिख लीजिएगा, इसका नाम है एथॉक्सी बेंजीन। और इसी का कॉमन नेम क्या हो सकता है, याद रखिएगा, इथाइल फिनाइल इथर, इथाइल फिनाइल इथर, इथाइल फिनाइल इथर। बड़ा ही महत्वपूर्ण यौगिक है यह, इसका भी एक बहुत ही मशहूर नाम है फेनिटॉल, याद रखिएगा फेनिटॉल। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे पूछ दिया गया है आपके C6H5O, पोस्ट में दिया है C7H15N। कहने का इसका आयुपैक नेम और कॉमन नेम मैं लिख के दिखा रहा हूं, C6H5 को ऐसे ही रहने देते हैं C6H5O, और C7H15N मतलब सातों कार्बन नॉर्मल चेन में होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको ये पता है कि प्रत्येक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा, या अंडरस्टूड है। अब बताइए, इधर कार्बन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर कार्बन है 6 रिंग में, तो इसी को हम लोग ग्रुप के तरह रिगार्ड करेंगे। इसका नाम होगा फिनॉक्सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका नाम लिख सकते हो फिनॉक्सी। एक पोजीशन पे है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। इसका कॉमन नेम चाहे तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको कहते हैं नॉर्मल हेप्टाइल, इसको कहते हैं फिनाइल, तो नॉर्मल हेप्टाइल फिनाइल इथर, फिनाइल इथर आप लिख सकते हो। ये अंडरस्टूड है कि कितना हाइड्रोजन होगा, आप लिख भी सकते हो CH3 CH2 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 CH2, वेरीफाई कर लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15। क्लियर है, राइट डाउन प्लीज। कुछ और इथर आप देख लीजिए, कोई पूछे कि इस इथर का आयुपैक नेम और कॉमन नेम लिखें, याद रखिएगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमेशा सीनियर होता है अल्कोक्सी ग्रुप से। गिनती इधर से करेंगे 1, 2, 3, 3 पे क्या है 3 मेथॉक्सी, और इसका नाम होगा प्रोपीन, प्रॉप 1 इन है तो केवल प्रोपीन लिखेंगे, प्रोपीन। इसका कॉमन नेम लिख सकते, इसी को एलाइल ग्रुप कहते हैं, एलाइल मिथाइल इथर, कॉमन नेम आप लिख सकते हैं एलाइल मिथाइल
ईथर, एलाइल मिथाइल, एलाइल मिथाइल ईथर आप लिख सकते हो। एक देते हैं आप घर कर लेना, मैं कहूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH, मैं कहूं OCH3। इसका आयु पैक नेम और कॉमन नेम लिखना है, ठीक है। मिथाइल विनाइल ईथर है, आप इसे लिख लीजिएगा। एक और कंपाउंड यहां देखिए ध्यान से, मैं CH3O CH2 CH2 Cl। कोई पूछे कि इसका नाम बताओ, यह तो हमारा मेथॉक्सी हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन की संख्या कम है, तो यह हमारा मेथॉक्सी हो जाएगा। 1 2 2 पर क्लोरो है, 1 पर क्या है मेथॉक्सी है, तो लिखा है ना 2 क्लोरो 1 मेथॉक्सी और 2 कार्बन है तो इथेन। इसका कोई कॉमन नेम नहीं होगा, क्लियर है। इसे नोट करें, 1-2 और कंपाउंड बता रहे हैं और उसके बाद होमवर्क देंगे। आपसे कोई पूछे कि इसका नाम बताओ, इस ईथर का, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल आप वैसे ही नाम लिखिएगा, 1-2 यह इथॉक्सी है, यह मिथाइल है, 2 इथॉक्सी 1 कॉमा 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन नाम लिख सकते हो। कोई पूछे कि इस ईथर का आप नाम बताओ, ध्यान देना साइकिल में कार्बन 3 है और साइड चेन में कार्बन दिखाई दे रहे हैं 3 3 6। गिनती इस प्रकार होगा 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होगा 3 साइक्लो प्रोपॉक्सी। और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। बात आप समझ में हमें, इसे भी नोट कर लें। ध्यान दीजिएगा, यदि कार्बन के चेन में 2 या 2 से अधिक अल्कोक्सी ग्रुप हो तो उसका नाम कैसे दिया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, अल्कोक्सी ग्रुप को हमेशा कार्बन के चेन में सब्स्टिट्यूएंट अर्थात ग्रुप के तरह रिगार्ड करेंगे। यहां ध्यान दीजिए, मैं कहूं कि CH3 OCH3 OCH3 OCH3, इसका आयु पैक नेम बताओ, कार्बन की संख्या 1, या मेथॉक्सी। इसका नाम होगा टेट्रामेथॉक्सी। 1 कार्बन है तो नाम हो सकता है मीथेन, टेट्रामेथॉक्सी मीथेन। आपसे कोई पूछ दे इसका नाम बताइए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कहेगा 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा 2 कॉमा 3 डाई मेथॉक्सी। 5 कार्बन है तो पेंटेन। यदि भिन्न भिन्न अल्कोक्सी ग्रुप हो तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे। बात आप समझ गए होंगे, तो इसे नोट करें। हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप घर पे अभ्यास कीजिएगा। दिए गए ईथर का आयु पैक नेम आपको लिखना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ईथर के पार्ट्स को ही हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग इपॉक्साइड, साइक्लिक ईथर, क्राउन ईथर का नामकरण देखेंगे, ठीक है। आप घर पे अभ्यास कीजिएगा, समय का सदुपयोग कीजिएगा, और कल ईद का त्योहार है तो आप सभी को मेरे तरफ से, साइंस एकेडमी परिवार के तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप